इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को लेकर के दो ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको बताया था। पहला न्यूज था कि यूएस हेडक्वार्टर में जो इसकी सब्सिडरी है इन्फोसिस की, वो क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म सर्विस स्टार्ट करी है, जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को लेकर के काम किया जाएगा। और दूसरा ब्रेकिंग न्यूज जो कि 21 अप्रैल का था, हमने आपको कहा था कि जर्मनी बेस्ड कंपनी है ओडीटी, जो कि डिजिटल बेस्ड मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है, उसको भी इसने एक्वायर कर लिया है। इन सभी न्यूजों के बाद स्टॉक में, जहां आप टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 1550 तक के लोज दिखे थे, वहीं से अगेन इस स्टॉक में एक अपर ट्रेंड आते हुए दिखा और आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है, जहां स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 1610 का हाई बनाया और प्रीवियस क्लोजिंग ही 1620 के आसपास का था। तो अगेन स्टॉक 1599 1600 के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहा है। और लगभग डिलीवरी देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 70% के आसपास की डिलीवरी है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए से स्टॉक को बाइंग किया जा रहा है। और ये गिरावट इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जिसका भी बाइंग 1540-50 के आसपास का रहा होगा, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत प्राइस एडजस्ट होते हुए दिख रहा है। अगर आप NSE की वेबसाइट पर जाएं और इसके हिस्टोरिकल प्राइस डाटा को देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम 18 अप्रैल के आसपास का जो वॉल्यूम था, वो मोर देन 3 करोड़ के आसपास का था। उसके बाद स्टॉक ने जो लो बनाया लगभग 1550 के आसपास का जो लो बना, उसके बाद अगेन स्टॉक में तेजी दिखी और स्टॉक ने 1620 तक के हाई बनाए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक करते हुए दिख रहे, जिसके कारण से स्टॉक में तेजी दिखी और कंटिन्यूस ये स्टॉक परफॉर्म करते हुए दिखने वाला है शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि एवरेज वॉल्यूम इसका 60-50 लाख के आसपास का होता है, लेकिन अभी वॉल्यूम देखेंगे तो मोर देन 1.5 CR 2 CR के अराउंडस है। तो इस समय टेक्निकली इस स्टॉक में व्यू रहेगा कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, पोर्टफोलियो की अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां बाइंग कर सकते हैं। और ये इस समय 20-day मूविंग एवरेज के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जब तक ये इस समय आप देखेंगे तो 1598 के आसपास के प्राइस पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जहां इसका 20-day मूविंग एवरेज 1730 के आसपास का है। तो इस स्टॉक में 1560 के आसपास के स्टॉप लॉस को लगा करके 1650-1680 तक के लेवल्स के लिए ट्रेड किया जा सकता है, जहां हमने देखा कि फिलहाल का जो हाई है वो 1650 के आसपास का है। तो इजीली इस स्टॉक में 1680 तक के लेवल्स दिखेंगे और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है।